एक गांव में गरीब साधु और उसकी पत्नी रहते थे। साधु अपनी पत्नी को बहुत सारी चीजें लेकर देना चाहता था, लेकिन साधु के पास पैसे नहीं थे। एक दिन साधु नदी के किनारे भक्ति कर रहा था, तभी साधु एक सोने के हंस को देखता है। सोने का हंस साधु के पास आकर बैठ जाता है। हंस कहता है कि भगवान तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, इसलिए मुझे भगवान ने भेजा है। मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का पंख दूंगा, जिसे बेचकर तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो। साधु हंस को अपने घर ले जाता है। हंस हर रोज उन्हें सोने का पंख देता है, उसे बाजार में बेच देता। इस तरह वो तीनों बड़ी खुशी से रहते थे। लेकिन साधु की पत्नी घर पर अकेली थी। वो सोचती है कि अगर हंस चला गया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे, क्यों ना मैं सारे पंख एक साथ ले लूं। हंस सो रहा था, साधु की पत्नी हंस को पकड़ लेती है। जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ेंगे, लेकिन हे मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को देखते मम्मी पापा की उम्र को बढ़ाते हैं, इसलिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप अपने मम्मी पापा के लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। साधु की पत्नी हंस के पंख जोर से खींचती है, हंस को बहुत दर्द होता है और वहाँ से चला जाता है।